दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जो निर्गुंडी का पेड़ दिखा रहा हूँ पौधा, इस पौधे से हम अभी जड़ खुदाई करने आए हैं, तो जड़ को खोदेंगे। उसके बाद इस जड़ की जो औषधि प्रयोग है उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह जड़ बहुत ही काम का है। आप लोगों ने निर्गुंडी के बहुत से औषधि फ़ायदे हमारे चैनल पे देखे होंगे और इसको अगर अच्छे से नहीं पहचानते हैं तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो, जिसमें निर्गुंडी के पौधे की संपूर्ण जानकारी बताई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण खास औषधि प्रयोग बताया गया है। और उसी में से जो खास एक औषधि प्रयोग है जिसका जड़ के साथ उपयोग होता है, तो उस प्रयोग को मैं बताने के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये जड़ खुदाई करने हम उसी लिए आए हैं ताकि इसका जड़ निकाल करके आपको हम दिखा सकें और बता सकें कि इसका जड़ का कौन सा भाग और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से समस्या में इसे आप प्रयोग कर सकते हो और कैसे प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर कोई अगर इसके बारे में जानेगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे उसके जो इधर उधर के डॉक्टरों के चक्कर में पैसे बर्बाद होते हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है दोस्तों। इसको आप पहचान के रख ही लेना और इसका प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर अवश्य करना, अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि जो वैद्य हकीम नीम ओझा नहीं बताते हैं वो सच जानकारी मैं बताता हूँ। मैं सच्ची जो घटना हो चुका रहता है जिसको हम लोग करके आजमा के देख चुके रहते हैं, प्राय मैं खास उन्हीं जानकारी को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फावड़ा भी टूट गया है, लेकिन फिर भी हम उसी से खुदाई कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत करके इस जड़ी को निकाल रहे हैं। बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है इसका जड़। तो दोस्तों इसका जो जड़ है ना, वह जड़ बहुत सारे समस्या को दूर करता है, जैसे नपुंसकता, नामर्दी, नसों की शिथिलता और अंगों का टेढ़ापन, छोटापन, सूखड़ापन। मतलब कहा जाए एक प्रकार से यह संजीवनी बूटी है, शिथिल अंगों के लिए संजीवनी बूटी है। कमज़ोर शरीर के जो अंग हैं, बेजान पड़े लटके अंग हैं उसके लिए। तो इसको जिस तरह से आज मैं बताऊंगा उस तरह से अगर आप उपयोग करोगे तो आपकी नसों की समस्या 100% दूर होगी, नपुंसकता, शीघ्र पतन की समस्या दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई लकवा पेशेंट है या फिर बात रोगी है जो ठीक से चल नहीं पाता है और दर्द रहता है उनके शरीर में जोड़ जोड़ में, तो कहीं भी अगर नसों की समस्या है तो वहाँ पे लेप कर दीजिए हल्की से मालिश करके और देखिए चमत्कार। तो किस तरह से इसका लेप तैयार करना है और किस तरह से इसका फ़ायदा लेना है मैं आपको वीडियो में बताते जाऊँगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। फ़िलहाल अभी तो ये जड़ी बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है, फावड़ा टूट गया है, इसलिए बिना डंडे के फावड़े से ही हम काम चला रहे हैं और उसको मार मार के, चोट मार मार के निकाल रहे हैं और आखिर में ये टूट ही गया और निकल गया। बहुत ही मजबूत जड़ी होता है, तो हम अब इसको ले जा कर के अच्छे से धो कर के इसको साफ़ करेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे इसको धो लिए हैं। अब धोने के बाद इसको इस तरह से, जिस तरह से आप अभी देख पा रहे हो, इसके छिलके को निकालना है, ना कि अंदर के जो ठोस भाग है उसको। तो छिलके को निकाल निकाल करके इस जड़ी से अलग कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों उसके बाद ये हमारा कोई काम का नहीं है, तो इसको आप फेंक दीजिए, इसका काम नहीं है। अब इसको हम रख लेते हैं। अब इसको रखने के बाद आपको करना क्या है आगे वीडियो में मैं बताता जाऊँगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो देख सकते हो इस तरह से इतना सारा निकल गया एक छोटी सी जड़ी में, ये बहुत ही पर्याप्त है कम से कम एक सप्ताह के लिए। तो इस तरह से इसको अच्छे से साफ़ करके, उसके छिलके को जड़ी से उतार करके, इसको पत्थर में ऐसे ही सिलबट्टे में या फिर ऐसे ही जो अच्छा सा पत्थर मिले उसमें घसना है आपको। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के अच्छे से
इसको पिसाई नहीं करना है, सिर्फ रगड़ रगड़ के ही इसका जो पेस्ट निकलेगा उस पेस्ट को इकट्ठा करते जाना है। तो इस तरह से आप अगर रगड़ते हो तो थोड़ा सा बीच बीच में एक दो बूंद पानी भी डालो ताकि उससे ज़्यादा पेस्ट और जल्दी घिसाई हो सके। तो इस तरह से आप ज़्यादा मात्रा में ले करके और हाथ में ही रगड़ना है, पिसाई नहीं करना है, क्योंकि पीसने से वो फ़ायदा नहीं मिलता जो रगड़ने से मिलता है। तो आपको रगड़ना है, सिर्फ इसको पत्थर में घिसना है और इसका पेस्ट निकालना है। और जब इस तरह से पेस्ट निकल जाए तो इसको इकट्ठा करके किसी अच्छे से कटोरी में रख लीजिए, अच्छे से इसका जो मोटा मोटा भाग है उसको निकाल दीजिए और पेस्ट वाले भाग को इकट्ठा करके कटोरी में रख लीजिए। तो हम लोग, आप लोग देख सकते हो अभी इसमें घस लिए हैं और लगभग एक चम्मच के बराबर इससे पेस्ट हमने निकाल लिया है। तो इस पेस्ट को हम अब तैयार करके बताएंगे औषधि बना करके कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आपको इसमें और एक चीज़ मिलाना है दोस्तों, वो है शुद्ध सरसों का तेल। तो आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल मिला रहा हूँ। इस तरह से शुद्ध सरसों का तेल आप लोग भी जड़ी को घिसने के बाद पेस्ट में मिला लीजिए और पेस्ट में मिलाने के बाद उसको अच्छे से, माने हाथों से भी मिलाना है आपको। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हो मिला रहे हैं और इसको तैयार कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से जब तेल के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसी दिखाई देता है दोस्तों, इस तरह से जब जड़ी को पेस्ट बना करके तेल मिला करके लगाओगे तो इस तरह से हाथों में भी एक बार अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपका वो पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको आपका जो भी अंग जहाँ पे शिथिल है या फिर जो आपका हथियार है उसमें लगाना है तो उसमें आप इस तरह से लगा सकते हो। जिसका काम नहीं करता वह भी काम करने लगेगा, एक ही दिन में असर आपको पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से रात को लगा करके सो जाइए। अगर आपकी कमर कंधा घुटने में दर्द है तो वहाँ पर भी यह इस तरह से लगा लीजिए और लगाने के बाद रात भर सो जाइए। सुबह उसको अच्छे से गर्म पानी में धो लेना है आपको। तो इस तरह से करने के बाद बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की जो समस्या है नसों का वह दूर हो जाता है, दर्द चला जाता है और हर प्रकार की जो कमजोरी है वह मिटने लगती है। तो बहुत ही काम का जड़ी है यह, आप लोग पहचान लीजिए और इस तरह से प्रयोग कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक।